सही पढ़ा आपने अभी थंबनेल में, मोबाइल ही आपका बैंक है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारे आसपास में ही हमारे हर सवाल का जवाब होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे फाइंड नहीं कर पाते हैं। आपके हाथ में ही आपका बैंक है, लेकिन आप अभी कभी भी उसे अच्छे से उसको यूज़ करना अच्छे से नहीं जानते हो, उसको उस बैंक से कैसे पैसे निकालना है ये भी आप नहीं जानते हो। जैसे कि आपने दोस्तों थंबनेल में देखा, मोबाइल ही आपका बैंक है, मोबाइल से आप लोग 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हो। मैं लाइव प्रूफ दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो, चैनल के नेम्स बता दे रहा हूँ, मेरे ही फ्रेंड्स है, ठीक है, भोजपुरी प्लस, जिनके साथ मैंने, मुझे लगता है कि उनके चैनल पे मेरे 1-2-3 वीडियोस भी होंगे, ठीक है, और वो चैनल, वो मेरे फ्रेंड ही हैं, जब हम पहली बार मिले थे। एक्चुअली उनका एप्लीकेशन भी मैंने बनाया, आप लोग जाके प्ले स्टोर पे देख सकते हो, भोजपुरी प्लस करके होगा, एक बहुत अच्छा एक स्टोरी आप कह लीजिए, या फिर ये मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप लोग जब हमेशा मुझसे पूछते रहते हो भैया ऑनलाइन अर्निंग करने के क्या वेज है, आप लोग मुझसे नहीं काफ़ी सारे वीडियोस पर कमेंट करते हो, कहीं जाके कितने सारे वीडियोस देखते हो, किसी मोटिवेशनल इवेंट को अटेंड करते हो सिर्फ मोटिवेट होने के लिए, ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सको। यार मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है यार, सीरियसली। अगर आपको अर्निंग करना है तो आपको मतलब डेफिनेटली कहीं मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, नहीं मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे बस ऑनलाइन अर्निंग करनी है। जैसे कि अगर इस टाइम देखा जाए तो लाइव एग्जांपल, मेरे मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा मनोज देव के चैनल से आए हुए हैं, उनको देख लो आप, उनके अंदर वो जुनून था, उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर ऑनलाइन अर्निंग से, और आज वो किस लेवल पे आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। तो अभी पर मैं आज इस वीडियो में जिस लड़के की बात करने जा रहा हूँ, मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनके लाइव चैनल्स, लाइव प्रूफ आपको मैं दिखा देता हूँ, आप लोग जाके खुद फाइंड कीजिए यूट्यूब पे, और वो लोग मैं आपको बता दूँ मोबाइल से ही आज भी वीडियो बनाते हैं। उनका उनके चैनल पे अभी 1 मिलियन अबाउ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, लेकिन 1 के 1 मिलियन है, और जो मेरा सेकंड चैनल है भोजपुरी समाज करके, वो भी मेरा दोस्ती है, तो उनके चैनल पे मुझे लगता है अभी कुछ 2.5 या 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग आज भी मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद। अगर आपको मैं बता दूँ एक और लाइव एग्जांपल, अगर हिंदी, अगर आप लोग कॉमेडी वीडियोस देखते होंगे तो बीबी की वाइंस, आप सभी को पता है वो आज भी फ़ोन से ही वीडियो बनाते हैं, कैमरे का वो यूज़ नहीं करते, और आज भी उनके पास इतना पैसा होने के बाद भी वो उसी घर में वीडियो बनाते हैं जिस घर से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर। मतलब उनके पास इतने सारे लोकेशन, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड वगैरह और भी बहुत सारे से बाहर की जगह है जहाँ पे वो लोग वो जाते हैं, बट जो उनका कॉमेडी वाला वीडियो रहता है जिसमें वो वेरिएंट टाइप ऑफ रोल्स करते हैं, तो वो उसी घर में उसी फ़ोन, एप्पल के फ़ोन या गूगल का पिक्सल फ़ोन कह लीजिए, उसी फ़ोन से बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ यादें हमेशा अपने साथ रहती हैं, और कुछ ऐसे प्लेसेस भी हमारे लिए लकी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे लिए मेरा ये ऑफिस लकी है, वॉट एवर, मैंने हार्डवर्क किया, डजेंट मैटर है, ऐसा कुछ लक नहीं होता, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया। देखिए दोस्तों, फर्स्ट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे टेक्स्ट आते हैं कि भी हम लोग ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें क्या करें, और प्लस हमारे पास फ़ोन ही है सिर्फ, लैपटॉप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, फ़ोन है ना, एटलीस्ट फ़ोन तो है, आपको सोचना चाहिए हमारे पास फ़ोन तो है एटलीस्ट, कितने लोगों के पास तो फ़ोन ही नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारे पास अगर फ़ोन होता तो हम लोग कब का स्टार्ट कर चुके होते, ठीक है। आज जो सुपरस्टार बने हैं वो लोग सोचते हैं कि हमारे टाइम पे अगर यूट्यूब होता तो हम पता नहीं क्या कर चुके होते। खैर अब वो भी यूट्यूब पे आ चुके, आपको पता होगा इस टाइम गोविंदा जो कि बहुत फेमस स्टार है, जिनका फ़ैन मैं खुद रहा हूँ, अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो अब यूट्यूब करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अभी उन्होंने लेटेस्ट स्टार्ट किया 1 महीने पहले, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे साथ अभी है ना, इन्हें हमें अपना लेना चाहिए, प्लस हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अब वो लोग जिनके में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जिनके, वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल से शॉर्ट न्यूज़ बनाते हैं, शॉर्ट न्यूज़ बना के अपने चैनल पे डालते हैं, और वहाँ से अभी उनकी अर्निंग में आपको बताऊँगा तो आप लोग शॉक हो जाओगे, 80 to 90,000 रुपीज़ पर मंथ यूट्यूब की अर्निंग है, स्पॉन्सरशिप की अलग हटा के, स्पॉन्सरशिप की मैं बात ही नहीं करूँगा, उनके चैनल पर अगर आप टोटल व्यूज़ देखोगे तो 139 मिलियन व्यूज़ है उनके चैनल पर, और ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, सिर्फ 1 साल पुराना चैनल है, 1 से 1.5 साल पुराना चैनल है, तो उस चैनल पर इतना ज़्यादा ग्रोथ है जो कि सिर्फ न्यूज़ बना के डालते हैं, मोबाइल से वो एडिट काइन मास्टर होता है, उससे फोटोज़ को एडिट कर लेना, क्रॉप करके डाल देना, ऐसी बहुत सारी टॉप 10 कैटेगरीज मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता दूंगा जिसका यूज़ करके आप लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि न्यूज़ की कैटेगरी ले लो, रेसिपी की कैटेगरी ले लो, या फिर आप किसी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी ऐसा चैनल क्रिएट कर लो जहाँ पे आप यूज़र्स को बता सको उसके बारे में, बॉडी बिल्डिंग का चैनल ले लो, या फिर प्योर जो आजकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मार्केट में इन्वायरमेंट को लेकर, वो आप चैनल क्रिएट कर लो, या फिर ब्लॉगिंग कर लो आप जहाँ जाते रहते हो, अभी आपको पता होगा यार आप सिर्फ घूमने जा रहे हो ना, वो वीडियो बना लोगे तो वही वायरल हो जाता है। मुंबई निखिलकर, उनका
अभी उनको आप सब भी जानते होंगे, वो करते क्या था, स्टार्टिंग अगर आप उनकी वीडियोज होगी सिर्फ वो बाइक से यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे, वो सिर्फ वीडियो डालते थे, आज वो इतने वायरल है, इतने उतनी मतलब बहुत ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है, ठीक है। तो दोस्तों हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे हो तो सोचो यार इतना इतने से काम करेंगे कौन पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं रहता दोस्तों। उस चीज़ के लिए आपको पैसा मिलेगा बिल्कुल, लेकिन आपको वो शिद्दत से करना होगा, उसको उस लेवल पर लेके जाना होगा, उसी में अपना करियर अगर आपको बनाना है तो डेफिनेटली आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है 10,000, 15,000, 20,000 का, तो आपको 1 लाख तक की अर्निंग दे सकता है। जब मेरे दोस्तों को 80,000 to 90,000 की अर्निंग वो एक फ़ोन से कर सकते हैं, जबकि आज भी उनके पास फोन कोई बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं है, एक वो 20,000 to 25,000 का सैमसंग या ओप्पो का ही फोन वो लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस और उनके चैनल पर अगर आप आज भी जाओगे तो वीडियो फोन से ही बनाते हैं। इवन मैं खुद, मेरे चैनल पे आज 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस मेरी अर्निंग जो है आप सभी को पता है, मैं एप्लीकेशन डेवलपिंग से करता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां पे DSLR 2 लाख के खड़ा कर दूं और उससे कैमरा डेली वीडियोज बनाऊं, लेकिन नहीं, मैं फोन से ही करता हूं क्योंकि मुझे इससे कंफर्टेबल फील होता है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, इससे रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकता हूं, प्लस ये मेरा बहुत साथ देता है पेन, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास जो फोन है ना उसका यूज़ कीजिए, उसको बैंक की तरह यूज़ कीजिए, आप वहां से अर्निंग लीजिए। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ टाइम वेस्ट कर देते हो समटाइम ब्राउजिंग करने में, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग, पता नहीं क्या क्या, बट वो सब चीज़ों को अगर आप स्किप करोगे ना, अगर थोड़ा सा डिजिटल और टैकी हो जाओगे तो डेफिनेटली आप लोग अर्न कर पाओगे। कुछ लोग तो पेशेंस ही नहीं है कितनों के पास तो जब वो स्टार्टअप करते हैं स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने के अंदर वो लोग फेल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है, वो सोचते हैं कि नहीं 1 से 2 अगर मैं 1 से 2 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाया तो डेफिनेटली मैं इसके आगे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है मनोज देव चैनल जब उनका स्टार्ट हुआ तो उन्होंने 1 साल तक कंटिन्यू अपने चैनल पर वर्क किया था। अभी भी आप उनका पुराना चैनल जाके देखोगे, जो ओरिजिनल उनका पुराना चैनल है, आज भी वो वैसा चैनल है। मनोज दे जो उनका चैनल है, ये तो उनका सेकंड चैनल है, इसके पहले उन्होंने उस पर 1 से 1.5 साल तक वर्क किया, लेकिन उस पर वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो उस चैनल को उन्होंने स्किप किया और नया चैनल स्टार्ट किया, और इस चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स इनको मिले, यू कांट बिलीव, आप देख सकते हो सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर उस लड़के ने 7,60,000 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिया। मुझे लगता है 1 मिलियन में बहुत फास्ट हो जाएंगे। लव यू भाई बहुत ज़्यादा, हम लोग का प्यार भी है मनोज जी के साथ, और डेफिनेटली होना भी चाहिए क्योंकि जो नीचे से ऊपर तक उठते हैं उनके ऊपर अच्छा लगता है, मतलब हमें भी देख के काफ़ी, हम लोग भी, इवन मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ समटाइम ही हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के पास जो फ़ोन है इसे आप लोग को यूज़ करना चाहिए बैंक की तरह, अभी भी आप यूज़ करो, अगर अभी भी आप स्किप कर रहे हो तो उसे स्किप मत करो, यूज़ करो, बहुत सारे वेज है। अगर आपको मैं वेज बताऊँ ऑनलाइन अर्निंग के, तो फर्स्ट वे है यूट्यूब, सेकेंड वे अभी तो टिकटॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो सेकंड आप टिकटॉक को ले लीजिए, थर्ड ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग मीन्स जहाँ पे आप जा रहे हो उसके वीडियोस बना के आप डाल सकते हो, फोर्थ ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग मीन्स वेबसाइट, जो ब्लॉगर है वहाँ पे जाके आप कुछ भी अपने न्यूज़ वगैरह डाल सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। फिफ्थ सिर्फ वेबसाइट बना के भी आप अर्निंग कर सकते हो। सिक्स्थ एफिलिएट मार्केटिंग, सेवन्थ एंड्रॉयड डेवलपिंग, सीख तो नहीं सकते पर बना सकते हो उसके अंदर, मतलब अगर आप स्केचर का यूज़ करते हो या आईडी का यूज़ करते हो तो, या फिर आप सेवन्थ ले लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला, डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और इस 6-7 मैंने आपको बता दिया, हालांकि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन 6-7 में से आप 1-2 भी यूज़ कर लेते हो ना, यू कैन बिलीव बहुत ज़्यादा आप कुछ कर, मतलब इसमें आप पूरा करियर, इसके ऊपर आप करियर डिपेंड कर सकते हो, हमेशा डिपेंड हो सकते हो और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। मे बी अगर आपको वीडियो मोटिवेट कर चुका होगा या फिर आप स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।